गुड मॉर्निंग, ये है अपना टेरेस गार्डन। ये पोपोग्रेनेट ट्री है और अभी फ्लावरिंग चालू हुआ है, सीजन है अभी फ्लावरिंग का, इसे फ्लावरिंग हो रहा है। देखिए ये जब फूल सेट होगा ये फ्रूट में तब्दील हो जाएगा, दो चार फ्रूट हुआ भी है। ये देखिए ये अब सब हो गया, इसको छुपा के रखना पड़ रहा है ताकि थोड़ा कीड़ा मकोड़ा कम लगता है इसमें। ऐसा अगर पूरा खुला छोड़ देगा तो इसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए इसको ढक के रखते हैं ताकि कलर उसका सही हो। ये सब फ्लावरिंग हो रहा है अभी, इसमें भी हुआ है। देखो ये है, ये भी छोटा सा है, ये धीरे धीरे अभी दो तीन महीना बाद बड़ा हो जाएगा। ये सब फ्लावरिंग हो रखा है। देखो ये ऐसा क्लियर होगा, अगर उसको ढक के नहीं रखेगा तो ये इसमें दाग हो जाएगा, इसलिए इसको ढक के रखते हैं। लेंगे ये है अभी अपना गवा का ट्री, इस साल पहले दफा आया है। इलाहाबाद का अमरूद है ये, वहाँ से अमरूद ला के खा के उसका बीज गिरा दिए थे, उसी से हो गया। ये देखो ये सब अभी इस साल पहले दफा हुआ है, लेकिन अच्छा खासा फ्रूट हो गया है इसमें। और ये तुलसी का है, ये रसभरी है। अच्छा ये हो गया चीकू सफ़ेदा, जो आप क्या इंग्लिश में क्या बोलते हो पता नहीं, सफ़ेदा है। इस साल इसमें भी पहले दफ़ा फ्रूट लगा हुआ है। देखो इसका फ्रूट है, ये भी दो तीन महीना बाद बढ़ेगा। अभी नहीं, ये देखो अभी फूल आया खाली, अभी फूल आ रहा है, ये जो फ्रूट बन गया। ये देखो ये फ्रूट है, और भी कई फ्रूट बना हुआ है। ये देखो ये सब फ्रूट बन रहा है, ये देख रहे हैं ना, फ्रूट बन रहा है। और ये भी फ्लावरिंग बहुत अच्छा आया हुआ है, देखते हैं कितना इसमें फ्रूट बनता है। लेकिन इस साल बनेगा, अच्छा सा बनेगा लग रहा है। और ये है बैंगन का, इसको अभी नया लगाए हैं, इसको तोरू है। ये रसभरी का पेड़ है, इसमें अच्छा खासा टमाटर जैसा टेस्ट आता है इसका। ये हो गया तीनों बैंगन का। ये भिंडी लो भाई, देखो ये भिंडी हो गया, ये भिंडी हो रखा है। और उधर भी है, ये भी एक अमरूद का पेड़ है, इसमें भी फ्रूट आ गया है। इसमें तो दो साल से फ्रूट खा रहे हैं, उसमें पहले दफ़ा आया है, इसमें दो साल से खा रहे हैं। ये देखो देखो फ्रूट आ रहा है, आ गया फ्रूट। ये देखो ये सब अभी नया लगाया हुआ है, कोई तोरू है, कोई खीरा है, ऐसा ही है। ये सब अनार का, ये है लेमन ट्री, इसमें अभी तक फ्रूट या फल कुछ नहीं हुआ है, शायद इस साल होगा विंटर में फ्लावरिंग आएगा।
ये सब अपना अनार का खेती है समझो, टेरेस गार्डन पर खेती है। देखो 15 गाछ है, सब में भी फ्लावरिंग हो रहा है, सब में भी फ्रूट आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें एक तो अच्छा खासा हो रखा है, ये देखो ये हो रखा है, और ये देखो ये सब ये छोटा छोटा अभी अभी हो रहा है, 1-2 बहुत सा हो रखा है, ये सब में हो रखा है। ये छोटा सा पेड़ में भी 8-10 हो रखा है, देखो ये सब देखो सब सब में ये सब अनार हो जाएगा, ये सब ये देखो ये सब अनार है। अरे कितना अनार गिर गया, हाँ पानी आया था, वो थोड़ा बहुत गिरता है, ये सब अनार हो जाएगा। पुदीना का दिखा, पुदीना का भी दिखा देंगे। ये है तुम्हारा पसंदीदा दोनों ट्री, दोनों के यहाँ लगाए, सोच रहे नीचे लगाएंगे कि टेरेस में छोड़ दें, पता नहीं। ये है हरिसिंगार का, इसका फ्लावरिंग आता है अक्टूबर में, सबसे हाईलाइट में है ये एप्पल ट्री, ये देखो इसका एप्पल हम लोग का इलाका में होता नहीं है, वो भी टेरेस पर, वो भी गमले में, जनरली ये एक तो पॉसिबल चीज़ नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं शायद हो जाए, इसमें शायद ग्रो करे, माने शायद फल आ जाए। तो इस साल तो आया नहीं, इस साल उम्मीद रखा रहता, इस साल तो आया नहीं फल, अगला साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी 1 और तब जाके कुछ होगा तो देखेंगे। लेकिन ट्री तो बहुत अच्छा हुआ है, फल का पता नहीं, अगर ये फल हो जाए तो दिल खुश हो जाएगा कि चलो भाई टेरेस गार्डन में, वो भी कलकत्ता जैसे जगह में फल होना। ये है पुदीना, ये चटनी डेली हम लोग बना लेता है, हफ्ता में एक बार बनाता है, उसको 4-5 दिन खाता है, फिर वापस खा लेता है। ये भी भिंडी का ही है, इसमें भी देखो भिंडी लगा हुआ है, देखो वो है पालक, वो पालक है, और वो हो गया। अभी अब आ रहा है तुम्हारा फ्लावरिंग सेक्शन, ये सब फ्लावर का पेड़ है, तुम्हारा मम्मी आता है सुबह सुबह सारा तोड़ के ले जाता है। ये मैंगो है 5-6 साल का, 4 साल का हो गया, इसको देखो कब फ्रूट आता है। ये तोरू का गाछ है, और ये आ गया तेरा फ्लावर सेक्शन, ये अभी सुबह आके तोड़ के लेके चला गया सब। दो है नीम का पत्ता है, मीठा नीम का पत्ता, इसे तोड़ के ले जाते हैं जब ज़रूरत पड़ता है, उपमा उपमा बनाते हैं या कोई साउथ इंडियन डिश के लिए। ये सब थोड़ा सोहू का गाछ है, सोलह पीस तो खाली अनार का पेड़ है, ये समझो अनार का खेती चालू कर दिया शर्मा जी सब बोल रहा है खेती नहीं ऐसा ही नीचे से वो साफ कर रहा है मंदिर। ओके हो गया कंप्लीट।